जो स्क्रीन शेयर हो रही है ये आपकी बुक का पेज है, आप बुक खोलते हैं नहीं है इस वजह से आज बजाय नोट्स के या बोर्ड यूज करने के वो बुक का पेज आपके सामने स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। किसी बच्चे ने क्वेश्चन मार्क भेजा था कि ये क्या है, तो हम स्पीच कम्युनिटी पढ़ रहे हैं, आपकी जो बुक है उसका पेज शेयर किया गया है। अगर वो लार्ज स्केल पे हो तो उसको एक डिफरेंट लैंग्वेज के तौर पे भी हम वैरायटी बोलेंगे कि ये एक डिफरेंट लैंग्वेज है।
लैंग्वेज की जो वैरायटीज है उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो ओवरलैप भी करती है एक लैंग्वेज के या एक वैरायटी के जो लिंग्विस्टिक फीचर्स होते हैं, जो लिंग्विस्टिक आइटम्स होते हैं, वो ओवरलैप कर रहे होते हैं दूसरे वैरायटी के साथ, कहीं ना कहीं में चेंज होती है, लेकिन काफी सारी चीजें, काफी सारे जो लिंग्विस्टिक आइटम्स होते हैं या वोकैबुलरी के कुछ अल्फाज वो ओवरलैप कर रहे होते हैं, वो एक वैरायटी में भी होते हैं दूसरी में भी होते हैं। अब ये जो वैरायटी यूज होती है या सेम लैंग्वेज आप कह रहे हैं, एक लैंग्वेज की वैरायटी जो लोग यूज करते हैं उनको स्पीच कम्युनिटीज कहते हैं। स्पीच कम्युनिटी को अगर आप सिंपल अल्फाज में डिफाइन करें, अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग अ सेम लैंग्वेज और डायलेक्ट, किसी हद तक भी हो सकते हैं, थोड़े सारे लोग भी हो सकते हैं, ज्यादा सारे भी हो सकते हैं, वो कम्युनिटी दो लोगों को भी मुश्किल हो सकती है, ज्यादा लोगों को भी। तो जो टर्म स्पीच कम्युनिटी हम यूज करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग अ कॉमन लैंग्वेज और डायलेक्ट, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज एंड शेयर द सेम वर्ड्स एंड ग्रामर रूल्स इज टर्म्ड एज स्पीच कम्युनिटी। स्पीच कम्युनिटी को लिंग्विस्टिक कम्युनिटी भी बोला जाता है बाय सोशियोलिंग्विस्टिक। The term speech community is widely used by sociolinguists to refer to a community based on language. But linguistic community is also used with the same meaning. Speech community, linguistic community, meaning एक ही है, दोनों को use किया जा सकता है। लेकिन जो speech community है, ये sociolinguistic वाले ज्यादा इसको यूज करते हैं स्पीच कम्युनिटी, लेकिन अगर आप लिंग्विस्टिक के तौर पे ज्यादा उसको ले रहे हो तो फिर लिंग्विस्टिक कम्युनिटी। कोई लैंग्वेज की एक वैरायटी बोलने वाले जो लोग हैं, जो ग्रुप है, उसको आप स्पीच कम्युनिटी बोलते हैं। छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर स्पीच कम्युनिटी इज the group of English language speakers throughout the world, जो भी पूरी दुनिया में English बोल रहा है वो एक speech community से belong करता है। A speech community is a group of speakers who share a language and pattern of language use. पूरी दुनिया में अगर English बोल रहे हैं लोग तो वो एक speech community से belong करते हैं। अगर वो different बोल रहे हैं language तो फिर वो एक दूसरे कम्युनिटी हो जाएगी, और एक कम्युनिटी स्पीच कम्युनिटी दूसरी स्पीच कम्युनिटी के साथ ओवरलैप करती है। मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी स्पीक मोर ऑफन विद ईच अदर देन दे डू विद मेंबर्स आउटसाइड द कम्युनिटी। इंडिविजुअल एडजस्ट देयर लैंग्वेज एज दे कम इन कांटेक्ट विद मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। क्लियर? एक कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी स्पीक मोर ऑफन विद ईच अदर, मोर ऑफन, और जो उस कम्युनिटी के बाहर होते हैं उनके साथ भी वो कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन जो कम्युनिटी के अंदर वाले लोग होते हैं उस स्पीच कम्युनिटी से उनके साथ ज्यादा फ्रीक्वेंटली। और इंडिविजुअल्स एक स्पीच कम्युनिटी की अपनी लैंग्वेज को एडजस्ट करते हैं एज दे कम इन कॉन्टेक्ट विद मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। बेसिकली आप कह सकते हैं लैंग्वेज इज द कम्युनिकेशन ऑफ फीलिंग्स एंड थॉट्स थ्रू अ सिस्टम ऑफ पर्टिकुलर सिग्नल्स लाइक साउंड, वॉइस, रिटन सिंबल्स, जेस्टर्स। स्पीच इज द एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग और द faculty of describing feelings, language or speech। language communication के लिए हम अपनी feelings, अपनी thought को एक खास system के साथ, particular signals like sounds, voice, written symbols, gesture को एक language के अंदर एक system के तहत आएंगे, जबकि speech is the act of expressing or the faculty of describing feelings and thoughts by words, something, spoken or vocal communication। communicate करना, एक दूसरे को describe करना अपनी feelings,
किसी तरीके से भी। तो लैंग्वेज और स्पीच कम्युनिटी में थोड़ा सा आपके किसी को लैंग्वेज, लेकिन उस लैंग्वेज में वो आप अपनी फीलिंग्स या अपनी जो इमोशंस है या अपनी डिस्क्राइब कर सकते हैं कुछ ना कुछ। तो लैंग्वेज और स्पीच में थोड़ा सा फर्क, तो हम कर रहे हैं स्पीच कम्युनिटी। स्पीच कम्युनिटी के ऊपर ज्यादातर जो इंटरेस्ट पैदा हुआ वो ब्लूमफील्ड ने जब अपनी बुक में लैंग्वेज स्पीच कम्युनिटी, लैंग्वेज उसकी बुक का नाम है लैंग्वेज, उसमें उसने स्पीच कम्युनिटी के ऊपर बकायदा एक चैप्टर लिखा। उसके बाद से इसके ऊपर ज्यादा शुरू हुआ इंटरेस्ट डेवलप हुआ, जबकि बहुत कंफ्यूजन और डिसएग्रीमेंट्स हैं कि एग्जैक्टली स्पीच कम्युनिटी है क्या चीज, आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको लिमिटेड कैसे कर सकते हैं, बाउंड्रीज कैसे खींच सकते हैं कि ये एक स्पीच कम्युनिटी है या दूसरी स्पीच कम्युनिटी है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और डिसएग्रीमेंट पाया जाता है। सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्पीच कम्युनिटी, All the people who use a given language or dialect, सबसे जो आसान, लेकिन आप कैसे लैंग्वेज को एक बाउंड्री खींचते हैं कि एक लैंग्वेज है ये दूसरी लैंग्वेज है, डायलेक्ट में कैसे फर्क करते हैं जबकि वो ओवरलैप नहीं हो रही होती है, एक लैंग्वेज बोलने वाले दूसरी भी बोलते हैं, तो वो क्या दो स्पीच कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा वन बाय वन हम इसकी डेफिनेशन को करते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन, All the people who use a given language or dialect, वो तमाम के तमाम लोग एक speech community में होंगे, उनको speech community बोला जाएगा जो एक ज़बान, जो given language या एक dialect, अब वो dialect और language को आप कैसे define करते हैं, वो एक different चीज़ है। According to this definition, speech communities may overlap. Bilingualism and need not have any social or cultural unity. जरूरी नहीं है वो उनका कल्चर भी एक हो, सोशल बैकग्राउंड भी एक हो, नहीं, सोशल और कल्चरल यूनिटी की तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। All the people who use a given language or dialect is termed as speech community. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको वाज़े तौर पे लैंग्वेज को बाउंड करना होगा, उसको डिफाइन करना होगा, फिक्स करना होगा। स्पीच कम्युनिटी को लिमिट करने के लिए जरूरी है कि आप लैंग्वेज या डायलेक्ट को डिफाइन करें, बाउंड करें कि ये एक डायलेक्ट है, ये एक लैंग्वेज है। फिर आप उस स्पीच कम्युनिटी को रेफर कर सकते हैं कि एक स्पीच कम्युनिटी है जो ये वाली लैंग्वेज और ये वाला डायलेक्ट बोल रही है। इस डेफिनेशन के मुताबिक कल्चरल यूनिटी की या सोशली एक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली ऑल द पीपल हु यूज अ गिवन लैंग्वेज, तो डायलेक्ट या लैंग्वेज जो लोग एक यूज कर रहे हैं, तो उस स्पीच कम्युनिटी को बाउंड करने के लिए, उसकी लिमिट्स लगाने के लिए हमें उसको फिक्स करना पड़ेगा, लैंग्वेज जो यूज कर रहे हैं, जो वो डायलेक्ट यूज कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन पे चले, जो पहले वाली से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, चार्ल्स पॉपिट ने दी। ईच लैंग्वेज डिफाइन अ स्पीच कम्युनिटी, द होल सेट ऑफ पीपल हु कम्युनिकेट विद ईच अदर ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द सेम लैंग्वेज। Each language defines a speech community, the whole set of people who communicate with each other, either directly or indirectly by the same language, common language. तमाम के तमाम लोग जो एक common language use कर रहे हैं, आपस में communicate कर रहे हैं उस language के जरिए, वो उनको एक speech community बोला जाएगा। इस definition में communication add की गई है। पहले वाली डेफिनेशन में ऑल द पीपल हु यूज अ गिवन लैंग्वेज और डायलेक्ट, यहाँ पे कम्युनिकेट विद ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय कॉमन लैंग्वेज, यहाँ पे कम्युनिकेशन को ऐड किया गया।
यूज कर रही हैं और आपस में उनका कोई रब्ता भी नहीं है, वो एक स्पीच कम्युनिटी कहलाएंगे इस डेफिनेशन के मुताबिक। तो यहाँ पे क्राइटेरिया लगाया गया है कि ईच लैंग्वेज डिफाइंस अ स्पीच कम्युनिटी, द होल सेट ऑफ पीपल हु कम्युनिकेट विद ईच अदर, तमाम के तमाम लोग जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कॉमन लैंग्वेज, स्पीच कम्युनिटी, एक स्पीच कम्युनिटी, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं या इनडायरेक्टली कर रहे हैं, वी टर्म देम अ स्पीच कम्युनिटी। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर दुनिया में स्पीच कम्युनिटी की जो यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है, एक लैंग्वेज यूज करते हैं लोग, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे रह रहे हैं वो इंग्लिश यूज करते हैं, कुछ अमेरिका में रह रहे हैं वो इंग्लिश यूज करते हैं, आपस में अगर कम्युनिकेशन नहीं है उनकी, आपस में उनका कोई रब्ता नहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हम उसको डिफरेंट स्पीच कम्युनिटी कहेंगे, दे वुड काउंट एज डिफरेंट स्पीच कम्युनिटी, एक ही लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप ऑफ पीपल अगर आपस में कम्युनिकेशन नहीं है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वही count them as a different speech community. पहले वाली आपने जो definition पढ़ी, all the people who use a given language, दूसरे वाली में था each language defined in a speech community. The whole set of people who communicate with each other, either directly or indirectly by the common language. अगर वो आपस में कम्युनिटी बोले, पहले वाली डेफिनेशन में सारे के सारे लोग जो एक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उनको हम एक स्पीच कम्युनिटी कह रहे हैं, और दूसरी वाली में कम्युनिकेशन का इजाफा किया गया कि आपस में वो कम्युनिकेट करें। तीसरी डेफिनेशन पे आए हैं, शेयर्ड, जो तीसरे वाली डेफिनेशन है उसमें जो एड किया गया शेयर्ड लैंग्वेज टू कम्युनिकेशन, a speech community is a group of people who interact by means of speech. अब इस डेफिनेशन में आप देखें कि आपस में कम्युनिकेट करना स्पीच के जरिए, यहाँ पे लैंग्वेज का वर्ड यूज नहीं किया गया, a speech community is a group of people who interact by means of speech. शुरू में आप करके आए हैं कि लैंग्वेज is the communication of feelings and thoughts through a system of particular signals like sound, voice, written symbols and gestures. Language, particular signals, a set of a structure. Or describing feelings and thoughts by words, something spoken or vocal communication. जरिए से भी आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाएं, उसमें वो सिस्टम लैंग्वेज का जरूरी नहीं है, वो पैटर्न आपने यूज नहीं करना, जो एक खास लैंग्वेज के आप कह रहे हैं वोकैबुलरी है, उसका साउंड पैटर्न है, उसके रिटन सिंबल्स है, जरूरी नहीं है कि आप वो यूज करें। स्पीच के जरिए आप अपनी बात किसी तरह से कन्वे कर, इस डेफिनेशन में आपको स्पीच और लैंग्वेज का फर्क पता होना चाहिए। लैंग्वेज इज द कम्युनिकेशन ऑफ फीलिंग्स एंड थॉट्स थ्रू अ सिस्टम ऑफ पर्टिकुलर सिग्नल्स। स्पीच इज द एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग डिस्क्राइबिंग फीलिंग्स एंड थॉट्स बाय वर्ड्स, समथिंग स्पोकन और वोकल कम्युनिकेशन। उसमें सिस्टम नहीं है, कोई ग्रामेटिकल रूल्स नहीं है, लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो जो थर्ड वाली डेफिनेशन हमने स्पीच कम्युनिटी की, अ स्पीच कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु इंटरैक्ट बाय मींस ऑफ स्पीच। उसके बाद आगे चले, उसके बाद विलियम लेबो की है जिसकी आप बुक में पढ़ रहे हैं कि जो स्पीच कम्युनिटी है वो आप लिंग्विस्टिक बिहेवियर या लिंग्विस्टिक आइटम्स पर ज्यादा जोर ना दें, आप शेयर्ड एटीट्यूड एंड नॉलेज पे। इसको आप डिफाइन करें कि स्पीच कम्युनिटी इज नॉट डिफाइंड बाय एनी मार्क एग्रीमेंट इन द यूज ऑफ लैंग्वेज एलिमेंट सो मच एज बाय पार्टिसिपेशन इन अ सेट ऑफ शेयर्ड नॉर्म्स। दीज नॉर्म्स मे बी ऑब्जर्व
Now, what types of evaluation behavior? And by the uniformity of abstract pattern of variation, which are invariant in respect to particular levels of usage. Now, the zyada to zor jo linguistic item ki wajah se diya gaya ki jo group of people hum feel kare ki hum ek community hai wo norms wo jo unka knowledge hai us cheez ko share kare bajaye iske ki jo language we use kar rahe hain linguistic items se ab zyada zor iske baad jo approach aayi unhone speech community ki jo term hai isko hi avoid kar diya But refers to group in society which have distinctive speech characteristics as well as other social characteristics. Now we have an individual pe aa gaya sara ki wo khud ko kahan pe rakhna chah raha hai bajaye iske ki jo study karne wale hain wo usko kahan pe rakhte hain each individual creates the system of his verbal behavior Each individual creates the system of his verbal behavior so that it shall resemble those of the group or groups with which, from time to time, he may wish to be identified to the extent that, number one, he can identify the groups. He has both opportunity and ability to observe and analyze their behavioral system. His motivation is suffering strong. He is still able to adopt his behavior. अब यहाँ पे जो सारे का सारा concentration है या जो है वो individual ने अपने आप को locate कर कि वो कहाँ पे है multi-dimensional space में वो कहाँ पे किस जगह पे exist कर रहा है किस group में है वो groups ये overlap भी कर सकते हैं वो individual के ऊपर है उसके बिहेवियर के ऊपर है कि वो क्या चीज अडॉप्ट करता है खुद को कहाँ पे रखता है अब इसके मुताबिक आपके गांव में आपके शहरों में हर जगह पे एक लार्ज नंबर ऑफ स्पीच कम्युनिटीज स्पीच कम्युनिटी से दूसरी स्पीच कम्युनिटी में ओवरलैप कर रही है स्पीच कम्युनिटी की जितनी भी आपने की है पहली वो लैंग्वेज शेयर करें दूसरी में कम्युनिकेशन आ गया लैंग्वेज की बजाय वो स्पीच के जरिए अपने आप को स्पीच को आपस में कम्युनिकेट को कर सके कम्युनिटी में या जिन लोगों के साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है वो खुद को एडजस्ट कर रहे हैं तो स्पीच कम्युनिटी को आप एक लाइन खींच के डिफाइन नहीं कर सकते जब आपने स्पीच कम्युनिटी को डिफाइन करना है तो आपने स्पेसिफिक जो वो लैंग्वेज को डिफाइन करना है उसके उसको बाउंड करना है कि यहाँ पे एक लैंग्वेज है यहाँ पे दूसरी यहाँ पे एक डायलैक्ट है यहाँ पे दूसरा डायलैक्ट इनके नॉर्म्स ये हैं इनके आइडियाज ये हैं ये इस तरह के हैं दूसरे बिल्कुल डिफरेंट क्योंकि रियल वर्ल्ड में इस तरह की लाइनें आप नहीं खींच सकते बाउंड्रीज नहीं खींच सकते मुआशरे के अंदर लोग उनके लिंग्विस्टिक आइटम्स उनके बिहेवियर उनकी सोच उनकी सारी चीजें जो किसी में पाई जाती है वो ओवरलैप कर रही है एक चीज एक जगह पे अच्छी समझी जाती है एक दुनिया में एक बंदा एक से ज्यादा लैंग्वेजेस भी बोल रहा है वो शेयर कर रहा है तो बाइलिंगुअलिज्म को आप कैसे फिर उस तरह से करेंगे यहाँ पे बहुत सारी कंट्री है ना स्पीच कम्युनिटी को आप ठीक तरह से या एक सही उसकी डेफिनेशन नहीं दे सकते ये इसकी पेट डेफिनेशन क्योंकि रियल कम्युनिटी स्पीच कम्युनिटी को
को जब आपने उसकी डेफिनेशन दे ली है तो फिर आपको रियल कम्युनिटी ढूंढनी पड़ेगी कि जो कम्युनिटी हम लाइक है, इसमें कि एक कम्युनिटी है जो एग्जिस्ट कर रही है, उसकी बाउंड्रीज खींचना क्योंकि मुश्किल है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, उसको भी आप वन बाय वन कर लें कि आप एक स्पीच कम्युनिटी को जब डिफाइन करेंगे पहले आप उस कम्युनिटी को डिफाइन करेंगे, उसकी लैंग्वेज हो या उसके डायलेक्ट हो या जो डेफिनेशन आप दे रहे हैं उनको डिलिमिट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे आप चूंकि रियल कम्युनिटी नहीं है यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इन दोनों में मिसमैच है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी और है सब्जेक्टिव रियलिटी और है, ऑब्जेक्टिव हकीकत में टू द पॉइंट जो एग्जिस्ट कर रहा है और सब्जेक्टिव में आपके इमोशंस आपके ख्यालात आपकी अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग भी आ जाती है, तो जो पहली वजह है वो मिसमैच बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटीज। Communities exist only to the extent that we are aware of them. So their reality is only subjective, not objective. Communities, जब हम define करते हैं वो जितना हम उन्हें जानते हैं उसके मुताबिक ही करते हैं, तो ये subjective है, हम define कर रहे हैं, objective नहीं है। हो सकता है loosely based on objective reality, किसी ना किसी हद तक इसमें objective reality भी हो। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में पहले आप फर्क ध्यान से कर लें कि सब्जेक्टिव आप कहेंगे कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपकी फीलिंग्स इमोशंस पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग कुछ ना कुछ आ जाएगा, और सब्जेक्टिव आप उस चीज को कहेंगे, ऑब्जेक्टिव जो है वो फैक्ट्स के साथ स्टिक करती है, एनीथिंग ऑब्जेक्टिव स्टिक्स टू द फैक्ट्स रियलिटी, बट एनीथिंग सब्जेक्टिव हैज फीलिंग्स, तो बिल्कुल ऑपोजिट है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव ऑपोजिट। बारिश हो रही आप एक स्टेट ये फैक्ट है हकीकत है, ये ऑब्जेक्टिव है, आई लव द रेन इसमें आपकी फीलिंग्स आ गई ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बिल्कुल अपोजिट है, तो जब हम कम्युनिटी को डिफाइन करते हैं तो हम सब्जेक्टिवली डिफाइन करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें ऑब्जेक्टिव रियलिटीज किसी हद तक थोड़ी बहुत होगी, लेकिन उसको तो बिल्कुल आप जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उस तरह से तो नहीं कर सकते। अगर कोई ऑब्जेक्टिव कम्युनिटी है भी तो हमें नहीं पता, उसको हम ऑब्जेक्टिवली रिकॉग्नाइज नहीं करते, उसको हम जब रिकॉग्नाइज करेंगे तो वो सब्जेक्टिव भी होगा, जब हम उसको डिस्क्राइब करेंगे उसका कोई ना कोई नॉर्म्स या वैल्यू उसको डिस्कस करेंगे बात करेंगे तो वो सब्जेक्टिव भी करेंगे, एज अ होल सारों को करेंगे, इंडिविजुअल का एक मोटिव एंड क्रॉस वाला नहीं होगा। लिंग्विस्टिक आइटम्स बेसिकली ऑब्जेक्टिव भी चलते हैं, आपकी ग्रामर आपकी सारी चीजें, तो जब उसको आप कम्युनिटी पे अप्लाई करते हैं लोगों पे अप्लाई करते हैं तो उसमें सब्जेक्टिवनेस आ जाती है, तो ये बेसिक डिफरेंस है कि आप रियल कम्युनिटी या रियल लैंग्वेज या उस चीज की बाउंड्रीज नहीं खेल सकते, कि जो नेचर या बेसिक डिफरेंस है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रियलिटी का आ जाता है, सब्जेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट चीज है, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट चीज है, आप लिंग्विस्टिक को या लैंग्वेज को जब पढ़ते हैं कम्युनिटी से हट के तो वो ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ जाता है, रूल्स एंड सारा कुछ बिल्कुल।